मॉर्निंग एवरीवन, 7 बज चुके हैं और 8 बजे से हमारी क्लास है, सो लेट्स गेट रेडी फॉर द क्लास। थर्सडे है और थर्सडे को 8 to 9 वाले टाइम पर गायनिक क्लास होती है, देन 9 to 12 क्लिनिकल पोस्टिंग, देन लंच, फिर उसके बाद 1 to 2 पैथो क्लास एंड 2 to 4 माइक्रोबायोलॉजी लैब। आज थोड़ा सा लेट हो गई हूँ तो ब्रेकफास्ट नहीं किया है, सो ब्रेकफास्ट के लिए एप्पल रख लिया है। तो एप्पल को मुझे अपने हॉस्टल से एकेडमिक ब्लॉक तक पहुँचने तक पूरा ख़त्म करना है, तो चलते जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, दिस इज़ द व्यू मेरे हॉस्टल के बाहर। फिर उसके बाद मेरा एप्पल अब ख़त्म होने को आ गया है, आधा हो गया है। ओके, तो ये हॉस्पिटल का व्यू है ना, ये सर्कल वाला एरिया है और ये हॉस्पिटल है। यहाँ पर अभी हम आएंगे 9 to 12 अपनी क्लिनिकल पोस्टिंग के लिए। देन दिस इज़ द एकेडमिक ब्लॉक जहाँ पर मेरी क्लासेज होने वाली हैं। तो आप देख सकते हैं एकेडमिक ब्लॉक 6 फ्लोर का है और 3rd फ्लोर पर LT2 में मेरी क्लास होने वाली है। तो देखिए, एकेडमिक ब्लॉक और शैक्षणिक भवन, ये बात मुझे यहीं आके पता चली है, इसको हिंदी में शैक्षणिक भवन बोलते हैं। तो चलो एकेडमिक ब्लॉक के अंदर चलते हैं। मेरा एप्पल थोड़ा सा रह गया, बस ये ऊपर पहुंचने तक ख़त्म हो जाएगा, चलते हैं। देखो, ये एकेडमिक ब्लॉक में ये राइट हैंड साइड, इस साइड प्रिंसिपल ऑफिस और इस साइड अदर ऑफिस वगैरह हैं। देन आगे अब हम 3rd फ्लोर तक सीढ़ियों से नहीं जाने वाले। देखो, मेरा गुड लक कि अभी लिफ्ट जो है ग्राउंड फ्लोर पर आई है, लिफ्ट से जाएंगे हम। और दिस इज़ द बेस्ट थिंग, जब आप लेट हो रहे होते हो तो आपको लिफ्ट प्रॉपरली मिल जाए। तो बस 3rd फ्लोर एंड क्लोज द डोर्स, सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। और GMG बताई हूँ कि आपकी लिफ्ट आपको पहुंचा देती है। एक बार तो लिफ्ट ख़राब हो गई थी तो 6th फ्लोर तक ऐसे ही चढ़ के जाना पड़ता था स्टेयर्स से। तो 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर एंड फाइनली 3rd फ्लोर। सो एक फ्लोर के ऊपर 2 डिपार्टमेंट्स हैं और 3rd फ्लोर पर आप देख सकते हो, ये 3rd फ्लोर का व्यू है। 3rd फ्लोर पर फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट और बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट है और लेक्चर थिएटर 2 LT2। सो चलते हैं LT2 की तरफ। मैं लेट हो चुकी हूँ, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, वीडियो बनानी थी, इस वजह से थोड़ा सा लेट हूँ आज मैं। बट कोई नहीं, मैम शायद आई विश कि मैम परमिशन दे दें, नहीं तो कुछ प्रोफेसर्स होते हैं जो परमिशन नहीं देते हैं बिल्कुल भी, अगर टाइम ओवर हो गया उनके एंट्री के बाद। तो आई विश कि मुझे परमिशन मिल जाए। यस, मैम ने परमिशन दे दी है, सो लेट्स मूव। मेरी फ्रेंड पहले ही आ चुकी थी, उसने मेरे लिए सीट कवर करके रखी थी। सो आज गायनी की क्लास है। गायनी की क्लास का आज का जो टॉपिक है, मैम क्लास ले रही हैं, आज का टॉपिक है रिकरेंट अबॉर्शन। मैम पढ़ा रही हैं, हमारे यहाँ PPTs के थ्रू पढ़ाया जाता है, सभी मेडिकल कॉलेजेस में PPTs के थ्रू पढ़ाया जाता है। ओके, तो मैम क्लास के बाद मिलते हैं। तो नाउ क्लास इज ओवर, सभी अपनी अपनी पोस्टिंग्स पर जाने के लिए खड़े हुए हैं। हमारे बैच में 100 स्टूडेंट्स हैं और 100 स्टूडेंट्स को छोटे छोटे बैचेस में डिवाइड किया जाता है और सबकी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पोस्टिंग चलती है। और मेरी इस टाइम मेडिसिन डिपार्टमेंट में पोस्टिंग है, तो मैं अपनी मेडिसिन डिपार्टमेंट की पोस्टिंग अटेंड करने के लिए जा रही हूँ। तो लेट्स गो। सुबह 9 बजे ही इतनी ज़्यादा धूप निकलने लगती है ना, और मैं अपना अम्ब्रेला नहीं लाई हूँ, तो मैं अपने हाथ को अम्ब्रेला बनाने की कोशिश कर रही हूँ। एक अम्ब्रेला में हम तीनों ट्राई करते हैं कि शायद आ जाएं, बट नहीं आ पाएंगे, दो को ही मिल पाता है, इसलिए मैं अम्ब्रेला से बाहर हो जाती हूँ। एंड हेलो टू ऑल, मेरी फ्रेंड्स की तरफ से चलते हैं
अभी हम यहाँ से हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं। हमारे यहाँ हॉस्पिटल और अकेडमिक ब्लॉक सेम कैंपस में है। ये एंट्री है हॉस्पिटल की। यहाँ पर क्या होता है कि सब अपना वो एक रुपए वाला पर्चा बनवाते हैं। ये ओपीडी है। वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, निकलने की भी जगह नहीं होती है। वैसे अच्छा है कि आज भीड़ नहीं है, मैं तभी शूट कर पा रही हूँ, नहीं तो शूट करने में भी दिक्कत होती है। ये पूरा एरिया सब फिल हो जाता है। और यहाँ हमारे यहाँ ब्लड बैंक भी है इस हॉस्पिटल में। देन उसके बाद आप देखते चलो। तो हम आज अपनी मेडिसिन की पोस्टिंग के लिए जा रहे हैं और वहाँ पर पहुँचकर जो भी पेशेंट्स मिलेंगे तो हम उनकी हिस्ट्री लेंगे। अभी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इनमें मेनली हमारा फोकस यही होता है कि हम बेटर से बेटर हिस्ट्री लेना सीखें। तो हिस्ट्री लेने के लिए हम पेशेंट के बारे में सारी डिटेल्स पूछते हैं कि वो कहाँ से आए हैं, क्या है और उनके क्या सिम्टम्स हैं। अच्छा, यहाँ पर वेट मेज़र करने के लिए मेरी फ्रेंड रुक गई है। यहाँ इस डिपार्टमेंट में वेट मेज़र करने वाले हैं, देखते हैं, वो वेट कर रही है। सो वेट मेज़र किया है और वेट जो आया है उसका 50 kg। मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। तो माय वेट, नहीं पता नहीं, 65, माय गॉड। ओके, तो हम अपनी पोस्टिंग की तरफ चलते हैं। सामने जो है ऑप्थो डिपार्टमेंट है, नेत्र रोग विभाग की ओपीडी है ये सामने। और आप देख सकते हो कि देखो ये बिल्डिंग पूरी प्रिपेयर्ड है और ये वाली बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो कुछ पार्ट है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रहा है, न्यू कॉलेज है। तो ये वार्ड में जाने का रास्ता, हम मेडिसिन वार्ड में जाने वाले हैं। अभी हम सेकंड फ्लोर पे हैं, अब हम थर्ड फ्लोर, तृतीय तल, फ्लोर को तल बोलते हैं। सो दिस इज द मेडिसिन वार्ड। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट ये वार्ड्स हैं जहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो एडमिट हैं। ये सारे पेशेंट्स जो हैं वो एडमिट हैं यहाँ पर। और हम किसी भी पेशेंट के पास जाकर उनकी हिस्ट्री ले सकते हैं, जिसमें हम उनके सिम्टम्स वगैरह पूछेंगे, उनको क्या बीमारी कब से थी, क्या था। ये मेडिसिन डिपार्टमेंट का स्टाफ। और देन ये भी एक और वार्ड है ना। और उसके बाद यहाँ पर ये रोगी प्रतीक्षालय, कुछ पेशेंट्स यहाँ पे मतलब वेट वगैरह कर सकते हैं। ये मैंने इन पेशेंट की हिस्ट्री लेने के बाद इनका जनरल एग्जामिनेशन परफॉर्म कर रही हूँ। जनरल एग्जामिनेशन परफॉर्म करने से पहले हमें पेशेंट से कंसेंट लेना होता है कि हम उनके साथ जो भी प्रोसीजर करने वाले हैं उसको कर सकते हैं या नहीं। और जो प्रोसीजर है वो हम उन्हें बताते हैं उनकी ही लैंग्वेज में। और जैसे ये मैं एक चेस्ट एग्जामिनेशन कर रही थी, चेस्ट एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर एरिया बॉडी का एक्सपोजर होना कंपलसरी है। बट ये अंकल कंफर्टेबल नहीं थे, इसलिए अगर पेशेंट कंफर्टेबल नहीं है तो हम उस चीज़ को नहीं करते हैं। देन उसके बाद ये फाइनल मेरी हिस्ट्री प्रिपेयर्ड है, हिस्ट्री लेने और जनरल एग्जामिनेशन के बाद, जिसे हमें सर के सामने प्रेजेंट करना है और सर उस हिस्ट्री को के अकॉर्डिंग जो भी सिम्टम्स हैं उसे एक्सप्लेन करते हैं, सिखाते हैं, डिजीज़ के बारे में बताते हैं और डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना सिखाते हैं, क्या क्या पॉसिबल डिजीज़ हो सकती हैं। सो अब मेरी पोस्टिंग ख़त्म हो चुकी है, 12 AM हो चुका है और अब मैं अपने लंच के लिए जा रही हूँ। सो मेरे पास 12 to 1 वाला टाइम है। सो ओके, बाय, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।